नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है गुरुग्राम से। इस वक्त की बड़ी खबर, सेक्टर 50 में मंडी में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सेक्टर 50 में मंडी में भीषण आग लगी है। गुरुग्राम से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। किसान मंडी में भीषण आग, सेक्टर 50 में मंडी में भीषण आग लगी है। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। किसान मंडी में भीषण आग लगने की खबर, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। एट कॉस्ट किसान मंडी में आग लगी है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल 4 फायर विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लगातार। गुरुग्राम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। सेक्टर 50 में मंडी में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। किसान मंडी में भीषण आग लगने की खबर, एट कॉस्ट किसान मंडी में आग लगी है। सेक्टर 50 की मंडी में भीषण आग लगी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की खबर। गुरुग्राम से ये जानकारी मिल रही है। सेक्टर 50 की मंडी में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। ब्रेकिंग न्यूज गुरुग्राम से, सेक्टर 50 की मंडी में भीषण आग लगी है। एट कॉस्ट किसान मंडी में आग लगी है। फिलहाल कितना नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि आग को बुझाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि 4 फायर विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 50 की मंडी में भीषण आग लगी, एट कॉस्ट किसान मंडी में आग लगी है और फायर विभाग की गाड़ियां फिलहाल पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों से, इन आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर आग यहां पर लगी है। गुरुग्राम से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एट कॉस्ट किसान मंडी है ये जहां पर आग लगी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भीषण आग लगी है और फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। सेक्टर 50 की ये मंडी है, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों से ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भयंकर भीषण आग लगी है और काबू पाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं आग पर काबू पाने की। और अभी तक कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, इसकी जानकारी अपने सहयोगी देवेंद्र से लेते हैं। देवेंद्र, क्या है अभी अपडेट वहां पर, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए सोनल, बिल्कुल गुरुग्राम के सेक्टर 50 में जो किसान मंडी लगी हुई थी एट कॉस्ट के नाम से, इस मंडी में ये भीषण आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 4 से 5 फायर टेंडर्स यहाँ पहुंची थी, उसके बाद इस पर पूरी तरह से काबू पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये भी थी क्योंकि ये रिहायशी इलाका भी है और कुछ कॉमर्शियल इलाका भी है, जिसके चलते यहाँ आग पर काबू पाने में थोड़ी सी मशक्कत जरूर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को और कर्मचारियों को करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद फिलहाल अब आग पर पूरा काबू पा लिया गया है और लगभग जो नुकसान बताया जा रहा है इसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इसमें जो फ्रीज कूलर और इसके अलावा जो सब्जियां रखी हुई थी और लकड़ी का फर्नीचर के ऊपर ये सब्जियां रखी हुई थी, तो निश्चित तौर पर इसके चलते आग एक के बाद एक आग ने पूरा मंडी को अपनी आगोश में ले लिया और उसके बाद देखते ही देखते पूरी मंडी जलकर खाक हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फायर दमकल की जो गाड़ियां वहां पहुंची थी उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फर्नीचर का सामान वहां पर था और सब्जी वहां पर रखी हुई थी, तो काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।